हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल परेशानियों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईडी की एक लंबी चौड़ी 6 से 8 अधिकारियों की टीम डीसीपी नॉर्थ, दिल्ली पुलिस के डीसीपी स्तर के दिल्ली पुलिस के अधिकारी सब मौजूद है इस वक्त और उनसे पूछताछ हो रही है। पहले कोर्ट से बड़ा झटका लगा था और अब ईडी का सामना, क्योंकि हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तलाशी के बाद पूछताछ हो सकती है, सर्चेस भी है। जो जानकारी ईडी की तरफ से दी गई है उसमें पूछताछ के साथ सर्च का भी जिक्र है। एसीपी से लेकर डीसीपी स्तर के अधिकारी डीसीपी नॉर्थ मौके पर मौजूद है और किसी भी वक्त बड़ी खबर आ सकती है। हम आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की तलाशी जारी है, तलाशी भी हो रही है और इसी के साथ ईडी की टीम उनसे पूछताछ भी करेगी। याद रखिए, कई समन मिलने के बावजूद वो पेश नहीं हुए और उन्होंने अरेस्ट को लेकर यह कहा था कि अरेस्ट पर से उन्हें राहत दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने अरेस्ट पर राहत देने से इनकार कर दिया। और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, इसकी संजीदगी को समझिए, क्योंकि ईडी ने कई समन जारी किए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री उन समन्स में आने को, ईडी के सवालों का सामना करने को तैयार नहीं हुए और इन सब के बीच अब ईडी के तमाम अधिकारी, एक लंबी चौड़ी टीम सवाल जवाब करने पहुंच गई है अरविंद केजरीवाल से। और जो हलचल है आप देख रहे हैं, सुरक्षा अरविंद केजरीवाल के आवास की बढ़ा दी गई है, केजरीवाल आवास की तलाशी अभी भी जारी है। हालांकि इस बात की जानकारी पहले से थी कि ईडी आज हाईकोर्ट के फैसले के बाद आगे बढ़ सकता है। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, तलाशी हो रही है, पूछताछ हो रही है, क्या यह आशंका भी है कि आज ईडी उन्हें अरेस्ट करे? अंजना देखिए, ये सबसे बड़ा डर था आम आदमी पार्टी का, जो उनको पिछले कई महीनों से सता रहा था और खासतौर से जब सिंह की गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई थी उसके बाद से ही ये खतरा बिल्कुल बरकरार था कि अब ईडी अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंच सकती है। और इस पूरे केस में आप देखिए कि के कविता की गिरफ्तारी और जिस अंदाज में उनकी गिरफ्तारी की गई हैदराबाद से, उसके बाद से हलचल बढ़ गई थी। पिछले कई महीनों से मामला कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जाता हुआ तो दिख रहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी को ये डर सता रहा था कि उनके मुखिया की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन के कविता के गिरफ्तारी के बाद बिल्कुल तेजी से हलचल बढ़ी और ईडी ने पहली बार ये दावा किया कि अरविंद केजरीवाल कॉन्स्पिरेटर हैं एक्साइज पॉलिसी केस में, के कविता के साथ मिलकर उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की। उसके बाद जिस तरह से कल और आज दो दिन दिल्ली हाईकोर्ट में गिरह चली, आर्ग्यूमेंट चला, प्रोटेक्शन नहीं मिला अरविंद बिल्कुल, और हाईकोर्ट ने भी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बने रहिए हमारे साथ अमित। इस बीच पंकज जैन जोड़ रहे हैं हमारे साथ। पंकज, आपके पास क्या जानकारी है? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी के अन्य नेता पहुंचना शुरू हो गए अरविंद केजरीवाल के घर पर? सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है, डीसीपी नॉर्थ यानी डीसीपी स्तर के अधिकारी भी दिल्ली पुलिस की तरफ से मौजूद है वहां पर। अंजना, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं कि इस वक्त इसी बीच एक बड़ी खबर है, आपको रोक रहे हैं, केजरीवाल की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या सुप्रीम कोर्ट पहुंची है लीगल टीम? गिरफ्तारी पर ही रोक की मांग होगी, वही रोक जिसको लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था? बिल्कुल, अंतरिम राहत की मांग आम आदमी पार्टी कर रही थी और आज शाम को जब हाईकोर्ट ने आदेश सुनाया उसके बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अब आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वो अपने कानूनी सलाहकारों के संपर्क में है। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार अपने तमाम लीगल एक्सपर्ट के साथ बातचीत करते रहते हैं, तो जाहिर है जब वो बातचीत कर रहे होंगे हो सकता है कि ईडी की टीम तभी सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड पर पहुंच गई। और जो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहा था, ऑडियो चला गया है पंकज, ऑडियो चला गया है आपका, आपके पास फिर से लौटेंगे, एक बार फिर से रिकनेक्ट कर लीजिए। इस बीच आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के घर की तस्वीरें हैं ये, जहां पर ईडी की टीम जिसमें 6 से 8 अफसर बताए जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। सौरभ भारद्वाज आपको इस कार में दिखाई दे रहे हैं। सौरभ भारद्वाज अभी मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार में और वो भी उनके घर के बाहर पहुंच गए हैं, फोन लगा रहे हैं शायद ये बातचीत करने की कोशिश या अंदर जाने की कोशिश। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल के आवास की तलाशी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मांग सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या जानकारी मिल रही है, जल्दी से बताइए पंकज।
देखिए बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जाके अंतरिम राहत की ही मांग की जाएगी, और सबसे बड़ी राहत की मांग ये की जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ना हो। यही मांग लगातार पिछले 2 दिन से मांगने की कोशिश हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के वकील कर रहे थे, और यही उम्मीद है क्योंकि ईडी पहुंच गई है, सिर्फ समन देने के लिए नहीं पहुंची है बल्कि जो जानकारी आ रही है कि वो पूछताछ भी करेगी, और पूछताछ करेगी तो ये आशंका है आम आदमी पार्टी को कि गिरफ्तारी हो सकती है, और इसीलिए तुरंत यहां पर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अंजना कर लिया है। बिल्कुल, ईडी ने सोमवार को जारी रिलीज में यह दावा किया था। आज इस प्रेस रिलीज का जिक्र हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान किया गया था। प्रेस रिलीज में अरविंद केजरीवाल का नाम पहली बार लिखते हुए ईडी ने यह दावा किया था कि ईडी की जांच में आरोपी के कविता के साथ केजरीवाल का नाम भी जुड़ा है। ये मैं इसलिए कोट कर रही हूं क्योंकि देखिए, साजिश में को कॉन्स्पिरेटर के तौर पर अगर इस केस को वो आगे ले जा रहे हैं, और ऐसी भी खबर आई कि एक और बड़े आदमी की गिरफ्तारी तक का जिक्र हुआ, इस वजह से यह अंदेशा और भी बन जाता है कि आज उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। पंकज, और देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रेस रिलीज में ईडी ने पहली बार बयान जारी करके नाम लिया अरविंद केजरीवाल का, और ये भी कहा कि किस तरह से करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, इसके तमाम जवाब आम आदमी पार्टी ने दिए हैं। लेकिन आप तस्वीर देखिए अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो तमाम ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं और खुद दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं, इसका अर्थ साफ है कि वहां पर किसी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए ही ईडी पहुंची हुई, उनके हाथ में फाइल है, ईडी दफ्तर के तमाम दस्तावेज है। और साथ ही हाथ मैं आपको ये भी जानकारी दे रहा था कि अरविंद केजरीवाल के घर के तरफ जो रास्ता जाता है, दोनों तरफ रास्तों पर बड़े गेट लगे हुए हैं, और दिल्ली पुलिस ने इन दरवाजों को फिलहाल बंद कर दिया है, यानी कि कोई भी आसानी तक सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड तक नहीं पहुंच सकता है। तो यही काफी अहम हो जाता है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने वहां पर घेराबंदी कर दी है और पुलिस को तैनात कर दिया है। दूसरी अहम बात यह है कि लगातार आम आदमी पार्टी आशंका जता रही थी, और वो आशंका फिलहाल ऐसा लगता है कि सच होती नजर आ रही है, ठीक है, क्योंकि जल्दी से एक पिछले बार दिनों अरविंद राव के पास सदन चलते हैं। पंकज, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अरविंद, आपके पास क्या अपडेट है? क्या गिरफ्तारी की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? क्योंकि एक प्रेस रिलीज के जरिए ईडी ने बाकायदा बताया कि के कविता और उस वक्त के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ को कॉन्स्पिरेटर पूरे आबकारी नीति के घोटाले में अरविंद केजरीवाल को वो देख रहे हैं। अरविंद, नेटवर्क इशू है, उसको ठीक कराइए आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पंकज देखिए, यहां से ये साफ होता है जब तस्वीर इस तरह की बनती है को कॉन्स्पिरेटर के तौर पर, जो कड़ियां हैं वो जोड़ने की ईडी कोशिश कर रही है, इसीलिए आशंका ये ज्यादा बढ़ी है। और इसीलिए तो खुद पहले हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनको भी आशंका है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। पंकज, बिल्कुल, देखिए पिछले एक हफ्तों के अगर आप कानूनी कार्रवाई को देखें अरविंद केजरीवाल की, तो वो लगातार राउज एवेन्यू कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट 2 बार चले गए हैं। कल उन्होंने समन को गैर कानूनी बताते हुए चुनौती दी थी, वहां से राहत नहीं मिल पाई, लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज भी राहत नहीं मिल पाई। हालांकि अब मामला चल रहा है, 22 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई होनी इसीलिए है, ईडी तस्वीरें आ रही हैं, को एक सेकंड जवाब देने के आपको लिए कहा रोक गया रहे है। पंकज, क्योंकि सौरभ जी भारद्वाज वहां पर मौजूद अधिकारी से बातचीत करते हुए देख रहे हैं। हालांकि अधिकारी से बहुत ज्यादा उनकी बातचीत नहीं हुई, उसके बाद वो वहां से साइड हो गए हैं, लेकिन ये निवास है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का और उसके बाहर मंत्री सौरभ भारद्वाज पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें दिख रही हैं जहां पर दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या उनको वहां जानकारी दी जाती है, क्या बोला जाता है, इसके बारे में शायद जानकारी ना ही मिल पाए, लेकिन वो शायद पूछ रहे होंगे कि अंदर क्या हो रहा है। बहरहाल, सर्चेस यानी विथ सर्चेस, ये एक शब्द का इस्तेमाल हुआ था, यानी तलाशी भी ली जा रही है और इसी के साथ पूछताछ भी। सौरभ भारद्वाज उनके घर के बाहर मौजूद है अरविंद केजरीवाल के, और अरविंद हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए। अरविंद, आशंका और संभावनाएं काफी दिख रही हैं, हाईकोर्ट ने भी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है लीगल टीम अरविंद केजरीवाल की। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा जिसकी भी चर्चा हो रही थी। सोमवार को जो प्रेस रिलीज जारी किया था प्रवर्तन निदेशालय ने, उसके बाद ये आशंका बढ़ गई थी कि अबकारी नीति जो घोटाला है उसमें ईडी की टीम एक कदम आगे बढ़ चुकी है अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसने के लिए। अब हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रेस रिलीज पहली बार प्रेस रिलीज में अरविंद केजरीवाल का नाम ईडी ने लिखा और बकायदा ये कहा कि जो के कविता है
उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इन सबने मिलकर साजिश रची, सुनियोजित साजिश रची और उसके बाद नई आबकारी नीति से निजी लाभ पाने की एवज में आम आदमी पार्टी के नेताओं तक 100 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। तो इतने दिन से ये जो घोटाले की जांच ईडी कर रही है, इस वक्त की आपको बता रहे हैं सौरभ को केजरीवाल के घर के अंदर जाने से रोका गया है, वो अंदर जाना चाह रहे हैं, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर इस वक्त वहां पर अगर ईडी के अधिकारी हैं, पूछताछ कर रहे हैं, तलाशी कर रहे हैं, तो वहां पर तो किसी की एंट्री नहीं होती है। ऐसे में वो जाना चाह रहे थे, उन्हें रोका गया है। लेकिन कुल मिलाकर जिस प्रेस रिलीज का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, उस प्रेस रिलीज को आप भी अच्छे से समझिए, क्योंकि उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, नई आबकारी नीति से निजी लाभ पाने की एवज में आम आदमी पार्टी नेताओं तक 100 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। साजिश के तहत साउथ लॉबी द्वारा एडवांस में दी गई करोड़ों रुपए की रिश्वत को शराब पर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर वसूलना और इस नीति से दोगुना मुनाफा कमाना था। इसी के साथ ईडी के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ है, नई आबकारी नीति में लाभ उठाने के लिए के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची। ये सब कुछ साफ इशारा कर रहा था प्रेस रिलीज ईडी का कि अरविंद केजरीवाल को वो को कॉन्स्पिरेटर यानी साजिशकर्ता के तौर पर देख रहे हैं इस पूरे शराब घोटाले में। क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, सुनाते हैं। देखिए, प्रथम दृष्टया जिस तरह से पुलिस अंदर है और मुख्यमंत्री जी के निवास में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ रेड मारी गई है और उनके मन में क्या है ये नहीं मालूम, बट ऐसा दिखता है कि मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है। तो क्या सर, आज मुख्यमंत्री को जाने दो। तो यहाँ पर आपने सौरभ भारद्वाज को सुना जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की पूरी तरीके से संभावना है। तो गिरफ्तारी की पूरी तैयारी है ये आरोप लगा रहे हैं सौरभ भारद्वाज। लेकिन इससे पहले ही ईडी ने संजय शर्मा बाकायदा प्रेस रिलीज में ये जानकारी दी थी कि वो साजिशकर्ता मानते हैं अरविंद केजरीवाल को। हाईकोर्ट ने भी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उसके बाद संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी तो लगभग कई महीनों से ये कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार, और तभी लगातार वो कोर्ट्स को अप्रोच कर रहे थे कि गिरफ्तारी पर रोक लगे। संजय, अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे कि अदालत उन्हें अभय दान दे और अदालत उनसे ये कहे कि गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है। तो क्या सर, आज मुख्यमंत्री तो सौरभ भारद्वाज सिर्फ एक लाइन कहते हैं कि लगता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी करने की पूरी तैयारी है। उसके बाद वो बिल्कुल हट जाते हैं वहां से, किसी पत्रकार के सवालों का भी जवाब नहीं देते हैं। सीएम को गिरफ्तार करने की तैयारी, ऐसा सौरभ भारद्वाज ने कुछ ही देर पहले मीडिया के सामने वहां पर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पर कहा है, ये बात कही है। बहरहाल एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, पंकज जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, केजरीवाल के घर पर छापेमारी भी चल रही है, सर्चेस भी हैं। संजय, थोड़ी सी अपनी जगह बदलकर बोलिए, आपका नेटवर्क ठीक काम नहीं कर रहा। ये सीएम को गिरफ्तार करने की तैयारी है सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, सर्चेस वहां पर चल रहे हैं, कई समन के बावजूद आए नहीं थे, आज गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई हाईकोर्ट ने, ईडी की टीम पहुंच गई। सीएम को गिरफ्तार करने की तैयारी आरोप सौरभ भारद्वाज ने लगाया है, साथ ही वो ये कह रहे हैं कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर 6 से 8 ईडी के अधिकारी हैं वहां पर, सभी अधिकारी हैं जिनकी देखरेख में तलाशी और सवाल जवाब इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर हो रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं संजय शर्मा, आइए सीधा उनका रुख करते हैं। संजय, जिस अभयदान की आप बात कर रहे थे वो हाईकोर्ट से मिला नहीं अरविंद केजरीवाल को, गिरफ्तारी पर रोक लगी नहीं, उनकी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट भी कही है, क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, क्या फौरन इस पर सुनवाई, कोई रोक ऐसा कुछ हो सकता है या फिर किस तरह से ये जैसे ही इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश आया वैसे ही हमें लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रुख होने के बाद वहां जब तक ये मामला लंबित रहेगा तब तक केजरीवाल ईडी के समन पर नहीं जाएंगे और वो ये कहेंगे कि जब तक ईडी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला ना कर दे तब तक मैं आपके पास नहीं जाऊंगा क्योंकि मामला लंबित है।
और दूसरी बड़ी बात ये कि कानून के जानकारों से जब हमने बात की तो उनका ये साफ कहना था कि अगर इतने अभय दान के बाद भी अगर ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो मैसेज ये राम किंकर सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से जुड़ रहे हैं। राम किंकर, क्या जानकारी मिल रही है? छापेमारी हो रही है अंदर, पूछताछ भी हो रही है, और दूसरा सौरभ भारद्वाज पहुंचे कह रहे हैं अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, जाहिर तौर पर अंदर छापेमारी चल रही है, तीसरा हिस्सा बताइए राम किंकर, जल्दी से दिखाइए तस्वीरें और बताइए खबर। बिल्कुल अंजना, सीधे साफ तौर पर तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तमाम अधिकारी अभी ईडी के पहुंचे हुए हैं। अभी सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं, पहले ये सुन लेते हैं फिर मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सौरभ जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? सौरभ जी क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस वक्त सब अब से बहस 2-2.5 घंटे पहले हाईकोर्ट के पास पूरा का पूरा मामला, हाईकोर्ट ने ईडी को समय दिया है 22 अप्रैल तक कि आप अपना जवाब दाखिल करें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। और अब जिस तरीके से ईडी अरविंद जी के घर में फिलहाल है, बाहर पुलिस का बड़ा बंदोबस्त दिख रहा है कि घर के अंदर जाने की मनाही है, उनके फोन से ना मुख्यमंत्री जी से ना उनके सचिव से अरविंद जी के घर में फिलहाल है, बाहर पुलिस का बड़ा बंदोबस्त दिख रहा है, घर के अंदर जाने की मनाही है, उनके फोन से ना मुख्यमंत्री जी से ना उनके सचिव से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है कि ईडी वालों ने उनके फोन्स वगैरह भी ले लिए हैं। पूरा का पूरा अंदेशा ये है कि अंदर रेड चल रही है और बहुत जल्द उनको गिरफ्तार करने वाले हैं। एक बात इससे साफ है, अगर प्रधानमंत्री जी को किसी से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अगर नरेंद्र मोदी जी का विकल्प इस देश में कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी को हो सकता है वो आज गिरफ्तार करेंगे, मगर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर कस्बे में अरविंद केजरीवाल की सोच वाले नए अरविंद केजरीवाल पैदा होंगे, बीजेपी की तरफ से। और वो सोच जो है उस सोच को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने भी बहुत लोगों को गिरफ्तार किया, 10-10 साल जेलों के अंदर रखा, हाउस अरेस्ट के अंदर रखा, मगर जो आइडिया होता है उसको गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल होता है। और ये बहुत गलत परंपरा आज भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है कि अपने विरोधियों को आप जेल में डाल दें और अकेले ही चुनाव लड़ें, तो ऐसा प्रजातंत्र में होता नहीं है। ये सीधा सीधा एक अत्याचार है कि आप एक छोटी सी पार्टी, आप तो कहते हैं कि सुपारी जितनी पार्टी है, इतनी छोटी पार्टी है, जब इतनी छोटी, मैडम मैं आपसे बात नहीं कर रहा, प्लीज मैं एएनआई को बाइट दे रहा हूं, जब इतनी छोटी पार्टी से इतना बड़ा डर है कि इनको गिरफ्तार ही करना है, कैसे भी गिरफ्तार करना है, तो ये बात आज जो है इनका जो अत्याचार है वो आज पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने आ गया। सर आपने अंदर जाने की, सर एक एक सवाल, सर सौरभ सौरभ भारद्वाज ये कहते हुए कि मौजूदा सरकार को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, इसीलिए उनको तलाशी ली जा रही है, रेड है, और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा वो कहते हुए वहां पर